तो हेलो फ्रेंड्स, लेकर आ गए हैं हम HP का लैपटॉप आप लोगों के लिए, एक बजट लैपटॉप जो कि अंडर 40,000 है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। बॉक्स में कुछ इस तरह से पैकिंग मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा पैकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि HP का है। यहाँ पर एक चार्जर एडेप्टर के अलावा यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल गाइड मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ स्टिकर इंटेल और ऑफिस होम एंड स्टूडेंट आप लोगों को मिल जाता है, जो कि आप एक्टिवेट करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर देखें तो इस बॉक्स पर स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, जो कि HP लैपटॉप 15SDU1060U है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 9 ऑप्टिकल ड्राइव है, इसके साथ ही विंडोज 10 है यहाँ पर। और यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशंस कर रखी हैं, जो कि डिटेल यहाँ पर आपको दे रखी है, जो कि बॉक्स के ऊपर आपको मिल जाती है। यहाँ पर अगर प्राइसिंग की बात करें तो 43,090.50 रुपीज़ है, जो कि मुझे ऑफ़र के तहत 40,000 के अंदर में मिल गया है। 39,990 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। साथ में मिलता है आपको एक एडेप्टर जो कि HP का है, और 65 वॉट का यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। दोस्तों इस लैपटॉप के साथ में ये जो पावर केबल है जो कि कनेक्ट होगी चार्जर के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो दे रखे हैं। यूज़र मैनुअल गाइड है जो कि आप देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। इस अनबॉक्सिंग में आप लोगों को हम इसका ओवरव्यू बता रहे हैं, इसके बाद में इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस और भी चीज़ें आप लोगों को नए वीडियो के साथ में, नए रिव्यू के साथ में और लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लैपटॉप काफ़ी शानदार, मतलब लाइट वेट भी मान सकते हैं, ऊपर HP की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर आप देखें तो इसका जो डिज़ाइन और उसके ऊपर जो फैब्रिक यहाँ पर प्रिंट दे रखा है वो काफ़ी मज़ेदार लगता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर पोर्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर ये है इस तरह का पूरा बॉडी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरह की डिज़ाइन के साथ में काफ़ी अच्छा स्लिम लैपटॉप आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये USB पोर्ट दे रखे हैं और ये चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, उधर हेडफोन जैक था। और चलिए इस लैपटॉप को खोल के आप लोगों को बताते हैं। वाओ दोस्तों, मज़ा आ गया। आखिर इस तरह के लैपटॉप को ख़रीदने के बाद में आप फील करेंगे कि वाकई में काफ़ी सही जगह पैसा लगा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये फील मिलेगी जो कि हटानी है, और आपका बैकलिट कीबोर्ड आपको सामने की तरफ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दे रखी है जो कि काफ़ी शानदार दिखती है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ पर गलती से कोई पानी वानी जाने की संभावना रह सकती है। i3 कोर का इंटेल कोर प्रोसेसर है, इसके साथ ही ऑफिस दे रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, ये कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट और ये सारी चीज़ें दे रखी है, QR कोड। और ये इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस लैपटॉप का डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा कंपनी ने मेहनत की है। और HP के लैपटॉप शुरू से ही काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। चलिए ऐसे पावर केबल लगाते हैं और इसे करते हैं हम बूट। बूटिंग के समय पावर बटन को यहाँ से आपको प्रेस करना है और कुछ इस तरह से ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है HP। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट बार अगर आप लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो इस तरह से आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी। काफ़ी मज़ेदार है। Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in.
Your region is set to India. Is that right? Your keyboard is set to English, India. Want to stick with that? Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? Just so you know, connecting to a network now could save you some time later. If you want... Now let's get you connected to a network. That way you can get updates... Just so you know, connecting to a network now could... Type what you want. That's not a name you can use. Go ahead and try something else. These are the settings Microsoft recommends. Go. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and stuff. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. हालांकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप GTA खेल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं PUBG खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर हैवी गेमिंग के लिए 8GB रैम तो यहाँ पर मिल जाती है। फिर भी आप यहाँ पर इसके जो ग्राफिक कार्ड है उसके हिसाब से इसमें गेमिंग कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल है। कसम से इस लैपटॉप को देखने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में हमने पैसा गलत जगह नहीं लगाया है। आगे आप सुनेंगे ऑडियो वीडियो भी, और इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप मूवी एंजॉय करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस लैपटॉप पे। इसके साथ ही आप अपने ब्लॉगिंग का काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ा सा ये कम रहेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग यहाँ से कर लेंगे। बाकी ये स्टूडेंट और यूट्यूबर के लिए ब्लॉगिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम ये चीज़ें खोल कर देख रहे हैं, जो कि सिस्टम के अंदर जाकर देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। तो आप लोगों को बता दूं, मैं इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये लैपटॉप है, जो कि यहाँ पर साफ से नहीं दिख रहा है, फिर भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो रैम है वो 8GB 1TB इंटरनल स्टोरेज है। और ये इसका वेबकैम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि सामने की तरफ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है। इसके साथ ही अगर देखें तो इसका ऑडियो वीडियो चेक करते हैं, जिसमें कि हमने ब्राउज़र खोला था, और ब्राउज़र के अंदर भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ब्राउजिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। देखते हैं यहाँ पर इस लैपटॉप के अंदर कुछ और मोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि यहाँ का जो माउस पैड है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अलग अलग तरीके से, जो कि आपको यूज़र मैनुअल गाइड के अंदर बताया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप ऑडियो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साउंड का भी मज़ा ले पाएंगे।